वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन हब ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, टिप्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज इस वीडियो में हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका मैं फुल एनालिटिक ऑब्जेक्टिव पोर्शन का और ग्रामर पोर्शन का करूंगा। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इसके अलावा मैं हर वीक में 3 या 4 वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें 2017, 2016, 2015 के इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स के वीडियोस होंगे। तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल सके कि मैंने कौन से वीडियोस अपलोड किए हैं। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2018 में पूछे गए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के इंग्लिश का पेपर है, जिसका मैं फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको बता के कि किस तरह से किसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू टेल ए लाई। तो इसमें क्या होगा, ये WH क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव का ये जो पैसिव है, तो इसमें वाई का वाई आ जाएगा, वाई का वाई, उसके बाद इसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए वाई के बाद डू आया है, तो वाई के बाद इसको एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। तो ए लाई जब आगे आएगा तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आ जाता है, तो ए लाई सिंगुलर है, इसके लिए इज आएगा, तो वाई इज ए लाई। उसके बाद why is a lie के बाद हमारा जो यहाँ पे verb आया है, जो principal verb आया है tell, इसका भीतरी होगा told, why helping verb is a lie told by you question mark। तो इसका जो first का answer है वो C है, why helping verb is a lie told by you, तो first का option number C। next question है, we are taught grammar by Mr. Singh। तो ये क्या है, ये पहले से पैसिव है, इसको मुझे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मिस्टर सिंह आगे आएंगे, उसके बाद आप देखिए आर के बाद टाउट लगा है, ऐसा केवल होता है प्रेजेंट इन डिफिनिट में, इसे हम आर के बाद भीतरी का इस्तेमाल होता है, तो यानी कि इसको प्रेजेंट इन डिफिनिट में टेंस को हमको डालना है। तो मिस्टर सिंह उसके बाद टाउट है, तो टाउट का हो जाएगा टीचर्स, मिस्टर सिंह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो मिस्टर सिंह टीचर्स अस ग्रामर, मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए और बाकी कोई भी सही नहीं है। देखिए इसमें टीचिंग डाल दिया है जो कि बिल्कुल गलत है, डायरेक्ट टीचिंग नहीं आ सकता है बिना हेल्पिंग वर्ब का। फिर इसमें टाउट डाल दिया है, तो टाउट तो आर है प्रेजेंट में, तो टाउट ओनली जाना यानी पास्ट इंडेफिनिट में जाना संभव नहीं है। और फोर्थ जो ऑप्शन है उसमें बिल दे दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि सुटेबल ऑप्शन और सुटेबल आंसर हमारा जो है राइट आंसर जो है जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है आई ब्लैंक हेयर सिंस मॉर्निंग। सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें सिंस लगा है, तो ये जरूर किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अभी इसमें एम लगना तो पॉसिबल ही नहीं, एम के साथ सिंस कभी नहीं आएगा, वो इसमें जब भी लगेगा तो हैज बिन लगे, बिल हैव, तो फर्स्ट कट गया हमारा, लास्ट कट गया, क्योंकि बिल भी है, बिल भी राइटिंग नहीं होगा, ये होता है फ्यूचर इम्परफेक्ट में। तो अब बची ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, ऐसा हमारा यहाँ पे सेंस बन के आ रहा है। देखिए मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था नहीं, अभी इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है, मैं जिससे भी बोलूँगा कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये जाएगा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो इसमें जो सुटेबल ऑप्शन होगा, आई हैव बिन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वी हैव बिन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, सॉरी यू ने वी नहीं यू यू हैव बिन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, आप घंटों से नॉन स्टॉप दौड़ रहे हैं, तो आपको थक जाना चाहिए, मतलब आप थक चुके होंगे, कन्फर्म है कि आप थक चुके होंगे, तो यू मस्ट बी वेरी टायर्ड, और कैन नहीं हो सकता है, कैन तो क्षमता को प्रदर्शित करता है, आउट नहीं होगा, उड नहीं होगा, उड तो संभावना को व्यक्त करता है, कोई आदमी इतना देर तक नॉन स्टॉप दौड़ रहा है तो कन्फर्म है कि आप थक गए होंगे, एकदम कन्फर्म, तो मस्ट लगेगा इसमें 4 का ए, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है, तो इसमें देखिए सी रैन आउट ऑफ द रूम, सी वॉज स्क्रीमिंग, तो हमारा यहाँ है सी रैन टू द रूम, तो आउट देखिए इसमें नहीं है, तो ये कट गया। नेक्स्ट है इसमें हेड रन कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये क्यों कटा, तो ये कटा सी रैन आउट,
देखिए इसमें ऑफ गाइब है, तो एक में आउट गाइब, एक में ऑफ गाइब, एक में हेड लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई हेल्पिंग वर्ब आप ऊपर से नहीं जोड़ सकते हैं कॉम्बिनेशन में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सुटेबल हो गया, सी रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सी का, सिक्स का, सिक्स है ब्लैंक यू माइंड स्टैंडिंग अप ए मोमेंट। तो किसी किसी से भी कुछ पूछने के लिए उड यू माइंड सबसे बेस्ट आता है। कुड पास्ट की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, शुड चाहिए, कैन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए, तो इसमें किसी की अनुमति लेने के लिए वुड यू माइंड स्टैंडिंग फॉर अ मोमेंट, वुड इज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। सो दैट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, आई ब्लैक इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स नहीं होगा इसमें। हैड ऑलवेज बिन तो बिल्कुल भी नहीं, बिल ऑलवेज मैं रहूँगा क्या, अब आगे बिल तो बिल्कुल भी नहीं होगा इन सारी चीज़ों में। तो आई हैव ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मतलब मैं शुरू से ही मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड हूँ। आई हैव ऑलवेज बिन इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो दैट सेवन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड ब्लैंक, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हैव गॉट अ टूथेक। तो यहाँ क्या है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सेज की वजह से कट गया, कभी भी सेड सेज में कन्वर्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में डेट नहीं है, तो मैंने इसको अभी फिलहाल, आगे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं। सेकंड ऑप्शन में डेट नहीं है, ऐसे हैव भी कभी हैव नहीं होगा, चेंज होगा। और थर्ड ऑप्शन मैंने काटा, यहाँ पे सी के बाद हैड दे, ही के बाद हैड दे दिया जो कि बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये कैसे बना, ही सेड डेट, आई, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा ही के अकॉर्डिंग ही, और हैव बदल जाएगा चूंकि ये सेड है तो हैव बदल जाएगा हैड में, गॉट इट टूथ हैक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, तो एट का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, सी थैंक्ड मी। तो ये जो है जो इनडायरेक्ट स्पीच में है, सी थैंक्ड मी, और मुझे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का है। सबसे पहले सी सेड टू हिम, हिम और हिम तो होगा ही नहीं क्योंकि थैंक मुझे किया, तो हिम से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ऐसे ही छट जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी थैंक्ड मी ये पास्ट में है, ये वर्ब का भी टू है, तो इसमें से कहाँ से आएगा। तो और ऐसे भी सी के साथ से नहीं लगता है, सी के साथ अगर आता भी तो से जाता। तो ऑप्शन नंबर ए बी और सी ऐसे ही मतलब कट गया, एकदम खत्म हो गया। तो यहाँ पे होगा सी सेड टू मी थैंक यू, यानी कि सी थैंक्ड किसको, मी, सी थैंक्ड मी। तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, माई ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक हर। डिड आ गया तो सबसे पहली बात एकदम डू डज डिड अगर आ गया तो वर्ब का पहला रूप ही आएगा ही आएगा। इसमें चूज किया, स्पेलिंग गलत है, सी एच डबल ओ एस ई होता है जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें चूजिंग है, इसमें चूजन है, तो चूजिंग और चूजन तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिड आ चुका है। अब ये चूज कैसे आएगा, ये तो स्पेलिंग ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल है, बी फोर से स्टार्ट कीजिए, टू ड्राइव या ड्राइविंग कार्स, टू ड्राइव या ड्राइविंग कार्स, कार्स ड्राइवन तो होगा ही नहीं, कार्स ड्राइविंग भी नहीं होगा। सबसे पहले बी फोर आएगा, उसके बाद ही कुछ आनी है, और पहला में तो बी वन है, सी में तो बी वन है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए ड्राइविंग कार्स, ये टू प्लस बी वन से चालू कीजिए या बी फोर से चालू कीजिए, जनरल का क्वेश्चन है। 11 का ए ड्राइविंग कार्स एट अ वेरी हाई स्पीड इज डेंजरस होना चाहिए, इन डेंजरस लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सी ब्लैंक सिक्स बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। तो सबसे पहली बात कि हैव आएगा नहीं, वो लिखेगी अभी के बारे में, मैं बिल तो बिल्कुल, ये सारी चीज़ों में बिल एकदम नहीं आना है। सी बिल रिटर्न मतलब लिख चुकी, बिल के बाद फिर भीतरी आ गया, कैसे आएगा, बिल के बाद भी वन आना चाहिए, हैव तो आएगा नहीं। और इधर देखिए सीधे सी के बाद बी, कैसे आएगा बी, ऐसे थोड़ी आना ही था तो ये जाता। खैर तो सी हैज़ रिटर्न, वो लिख चुकी है सिक्स बुक्स, छः किताबें ऑन इंडियन मिथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 13, दिस मटेरियल इज डिफरेंट। देखिए दिस मटेरियल, जब भी आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो एकदम, और डिफरेंट फ्रॉम, जब जुदाई दर्शाएगा तो एकदम हमारा फ्रॉम आना है, एकदम हर हाल में। तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डेट, एकदम ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही क्लाइम्ब, ये तो जानते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर रहेंगे तो ऑन लगेगा, जैसे ऑन रूफ, ऑन लैडर, ऑन टेबल, तो ऑन इज द राइट आंसर, 14 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ बीन अबसेंट सिंस मंडे, तो पता ही है कि फिक्स है यहाँ पे, तो सिंस आएगा, सिंस या फोर, तो फोर तो आना नहीं है क्योंकि मंडे फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट इसमें चूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एज वेल एज का मतलब यहाँ पे और लग जाएगा, ठीक है,
एज वेल एज का मतलब अगर आना ये तो एज गुड एज आएगा, एज वेल एज नहीं। तो एज वेल एज की वजह से ऑप्शन नंबर बी और सी कट गया। डी किस लिए कटा? डी इसलिए कटा कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। सिड कैन प्ले टेनिस, सिड कैन, सिड सकता है। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों में या जब भी आप उसको पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों की क्षमता में मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे दे दी यस सी हैड प्लेड टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो है आई हैव ए होमवर्क, होमवर्क के पहले ए नहीं लगेगा, ये कट गया। आई विल हैव, मुझे एक होमवर्क होगा पहले ही पता चल गया, ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं। आई हैविंग होमवर्क ऐसा कभी आ नहीं सकता है, हैविंग आई हैविंग डायरेक्ट कुछ नहीं, और हैविंग आया भी तो भीतर ही आता, तो आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे होमवर्क है करना। तो 18 है, 18 में कौन सा सेंटेंस सही है? वाज श्योर है मिस्टेक नहीं होगा, श्योर है मिस्टेक नहीं होगा, ए श्योर नहीं होगा। जब भी होगा तो डैट वाज श्योरली मिस्टेक, वो एकदम बिल्कुल ही मिस्टेक था, श्योरली श्योरली आएगा। ए श्योर मिस्टेक नहीं, श्योर ए मिस्टेक नहीं, श्योर ए मिस्टेक नहीं, जब भी आएगा तो श्योरली मिस्टेक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सबसे पहले देखिए ये हैड टेकन है, यानी कि हम पास्ट में हमको रखना है ये, तो आस्क्स नहीं होगा, एकदम बिल्कुल रॉन्ग, आस्क्स प्रेजेंट में, हैड टेकन, विल भी नहीं होगा क्योंकि कभी भी हैड यानी पास्ट परफेक्ट के साथ विल आस्क नहीं आएगा, और हैड के साथ हैड नहीं, तो हैड के साथ सबसे सुटेबल प्रेजेंट इन, हैड के साथ सबसे सुटेबल पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब का दूसरा रूप। ही आस्क, उसने पूछा, इफ ही हैड टेकन आवर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डिपेंड्स ऑन, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट आ चुका है डिपेंड्स, तो हैज अब तो कोई हेल्पिंग वर्ब आने की संभावना ही नहीं है, तो ए में हेल्पिंग वर्ब कट गया, बी में हेल्पिंग वर्ब कट गया, डी में हेल्पिंग वर्ब तो कट गया, ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, यू ब्लैंक नॉट गो टू अटेंड मीटिंग, यू कैन नॉट गो टू अटेंड, नीड के साथ तो नीडेंट आता है, मे नॉट हम सब आमता थोड़ी व्यक्त करेंगे दूसरे के लिए, उड नहीं, हम कुछ पूछ नहीं रहे हैं, हम उसके बारे में बोल रहे हैं, यू कैन नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, आप मीटिंग अटेंड करने नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन राधा कम्स बैक, यहाँ पे देखिए बिल यानी बिल और सेल जो होता है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का कम्बिनेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनता है, तो यहाँ बिल है तो पहला में बिल नहीं आएगा, बिल है तो इसके साथ पास्ट नहीं आएगा और हैज नहीं आएगा। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कम्बिनेशन बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, तो व्हेन राधा कम्स बैक सी विल स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड यू माइंड टू कम टू माय हाउस प्लीज, इसमें तो एकदम सुटेबल यही लग रहा है, वुड यू माइंड टू कम टू माय हाउस प्लीज, एकदम सुटेबल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सी इज ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज द मोस्ट, आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आता है, तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर ब्लैंक ए, माई सिस्टर है तो बाय तो आएगा नहीं, अगर आता भी तो बाय जाता, और लास्ट वीक है तो इसके साथ पास्ट आना है, ओके तो बाय का वाइड नहीं होता है, ये बाय नहीं होगा क्योंकि हमको लास्ट वीक दिया है, तो पास्ट वर्ब चाहिए, पास्ट वर्ब चाहिए तो बाय नहीं होगा, और बाइड नहीं होता है, जब भी होता है तो बाउट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, बाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश हैज़ बिन उसके बाद हैज़ बिन आया है, तो हैज़ बिन के बाद वर्ब का चौथा रूप ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें देखिए फॉर ए फ्यू डेज भी लिखा हुआ है, तो हैज़ बिन के बाद वर्ब का चौथा रूप चाहिए, तो हैज़ बिन ये कट गया क्योंकि वर्ब का तीसरा रूप है, इसमें हैड भी आ गया है, फिर से दो हेल्पिंग वर्ब थोड़े ही लगेगा, विल भी नहीं लगेगा, तो रिपेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता फेल फ्रॉम, अभी मैंने बताया कि जब भी जुदाई दर्शाना है, जब भी दो चीज़ अलग हो रहा है हो रहे हों तो आप फ्रॉम लाएंगे, सीता रिक्शे से गिर गई, तो सीता फेल फ्रॉम द रिक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन डू, यू का जो आप इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं योर सेल्फ आएगा, यू है तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, और कोई भी हिमसेल्फ हरसेल्फ देमसेल्फ इसके साथ काम नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग ओनली ऑप्शन नंबर ए है, बाकी सारे के सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइम डज द बस लीव फॉर, एकदम लीव फॉर कब छूटती है, सेंट्रल लंदन के लिए बस, तो लीव टू नहीं, लीव एट नहीं, लीव इन नहीं, लीव फोर कब छूटती है, बस वगैरह छूट
बस बस वगैरह के बारे में पूछना है तो लीव 4 का ही इस्तेमाल बेस्ट है, तो 30 30 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। अब हम लोग बुक पोर्शन में चले आए हैं, तो बुक पोर्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बुक का मतलब 31 से 50 तक अलग बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और अपलोडिंग में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।